हाँ, हम उससे पहले वाले वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें, ऑलराइट, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन मैं वहां कंटिन्यू कर रहा हूं। ऑलराइट, नाउ लिसन, सो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मिनट्स जो होंगे इनिशियल और साइन, ईच पेज ऑफ द मिनट्स इनिशियल और साइन एंड लास्ट पेज ऑफ द मिनट्स साइन एंड डेटेड, डेटेड जो है ना एविडेंस बनेगा। ऑलराइट, सो डेटेड बाय इन केस ऑफ जनरल मीटिंग, इन केस ऑफ जनरल मीटिंग बाय द चेयरमैन और इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन बिकॉज ड्यू टू डेथ ऑफ द चेयरमैन और यू नो इनकैपेबल टू साइन द मिनट्स, तो अगर उस मीटिंग का जो चेयरमैन है उसी मीटिंग के जनरल मीटिंग के वो नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्टर हुज ऑथराइज्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर? नाउ इफ रेजोल्यूशन पास बाय द पोस्टल बैलेट इन दैट केस द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लियर है, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड मीटिंग के अंदर जो चेयरमैन होंगे ना, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है वो साइन करेंगे। सर सर मान लीजिएगा वो भी उनका भी डेथ हो गया या इनकैपेबल है, देन डायरेक्टर उसको करा देता बोर्ड डायरेक्टर। क्लियर है? नाउ अब अगर ध्यान सुनना, ध्यान से, अगर बोर्ड मीटिंग है ना, बोर्ड मीटिंग हुआ है या कमिटी मीटिंग है, कमिटी इसका बोर्ड कमिटी, इसका मीटिंग का जो मिनट्स है ना साइन होगा बाय द चेयरमैन ऑफ द सेट मीटिंग। इस मीटिंग में जिसको हमने चेयरमैन डायरेक्टर लोग आए बैठे सेट के, भाई इनको मिस्टर ए को चेयरमैन बनाते हैं इस मीटिंग में, रेजोल्यूशन पास हुआ अब वो चेयरमैन बन गए, तो वो साइन करेंगे। क्लियर है? या फिर अगर उनका भी ठीक है, वो इज नॉट कैपेबल टू साइन द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग और बोर्ड कमिटी मीटिंग, इन दैट केस अगर वो नहीं कर सकते हैं देन नेक्स्ट सक्सेडिंग चेयरमैन, अब जो नेक्स्ट सक्सेडिंग मतलब नेक्स्ट सक्सेडिंग मीटिंग्स चेयरमैन, जो अगला बोर्ड मीटिंग होने वाला है उसमें जो चेयरमैन होंगे वो इसे साइन करेंगे। बट अगेन द क्वेश्चन इज दैट कि सिग्नेचर जो प्रोसेस है पूरा 3 डेज में होना है। कितने दिन में? 3 डेज। सर कितने दिन में? 30 डेज। सर क्या? 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ सच मीटिंग, 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ सच मीटिंग। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही है और जो मिनट्स बुक रेडी है, ये आप जानते हैं ये मिनट्स बुक एक कंक्लूसिव एविडेंस है ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। क्या? कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, व्हिच मींस दैट अगर कोई रेजोल्यूशन जो किसी मैटर पर डिसीजन हुआ था, किसी डायरेक्टर ने अपना एसेंट या डिसेंट दिया है, तो वो सब रिकॉर्ड हुआ है। इन फ्यूचर अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है तो ये मिनट्स बुक, ये मिनट्स बुक एज अ एविडेंस इन द ट्रिब्यूनल या कोर्ट्स प्रेजेंट किया सकते हैं। क्लियर है? सो अब आगे का क्वेश्चन येगा, रूल 25 डिस्कस करते हैं। रूल 25 आगे कहता है जो मिनट्स बुक है ना, ये मिनट्स बुक परमानेंटली प्रिजर्व की जाती है। परमानेंटली मतलब जब तक जिंदगी किसकी? कंपनी की। जब तक जिंदगी रहेगा कंपनी का, जिंदगी कंपनी का, हां जी जब तक आपका कंपनी रहेगा ना, जब तक आपको मेंटेन करना है। सो प्रिजर्व द व्हाट? मिनट्स बुक इन अ परमानेंट फॉर्म बनता रहेगा, हर साल बनेगा और जितना साल का पुराना हो चुका है ना वो कंटिन्यू आपको मेंटेन करना है। ठीक है? तो परमानेंटली इसका प्रिजर्व करेंगे एंड कहाँ रखेंगे? तो इन केस ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग की कौन सी है मिनट्स बुक है, कहाँ रखा जाएगा? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अगर बोर्ड मीटिंग की या कमेटी की, बोर्ड मीटिंग या कमेटी की मीटिंग की मिनट्स बुक है तो रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सही लगता है कहाँ कहीं और रखना चाहिए तो कहीं और रख सकते हैं, इन अदर प्लेस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थिंक्स फिट। ऐसा क्यों होता सुनेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब मीटिंग करते हैं ना, सी उनके लिए ये फाउंडेशन है कि उन्हें रजिस्टर्ड ऑफिस का ही मीटिंग करना है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए कि रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में है और मोस्ट प्रोबेबली जितना हो सकता है जल्द से जल्द डायरेक्टर्स सबके सब जो मिल सकते हैं वो दिल्ली में मिल सकते हैं, दिल्ली में। तो आप समझिएगा जहाँ मीटिंग हो रही होंगी वहाँ मिनट्स बुक भी होगी, जब मीटिंग होगी मिनट्स बुक भी तो रखी जाएगी, रिकॉर्ड किए जाएंगे ना प्रोसीडिंग्स को। अब मीटिंग करने के लिए कहाँ पहुंचे हम? दिल्ली। रेस्टोरेंट ऑफिस का है जयपुर और डायरेक्टर्स ताकि अपनी मीटिंग इफेक्टिवली कर सके इंडिया में कहीं पर भी। क्लियर? तो अब क्या हो रहा है कि मिनट्स बुक जो बोर्ड ऑफ मिनट्स बुक है वो वहां रखना जरूरी है, तो लॉ ने यहाँ थोड़ी सी उनको रिलैक्सेशन दिया कि ठीक है बोर्ड डायरेक्टर जैसा ठीक समझेंगे अपनी बोर्ड मीटिंग की मिनट्स बुक को कहीं और भी रख सकते हैं। क्लियर है ना? जनरल मीटिंग केस में रजिस्टर्ड ऑफिस ही है, रजिस्टर्ड ऑफिस ना। फर्दर ध्यान सुनते जाइएगा,
अब यहाँ जो मैंने रूल 25 बताया आपको, इस रूल 25 के अंदर कुछ खास बातें थी जो कि मैं पूरी रिवाइज कर देता हूँ। जो चाहिएगा सेपरेट बुक बनेगा, सेपरेट बुक फॉर ई सेम ऑफ मीटिंग, क्लियर है। पोस्टल बैलेट के थ्रू कोई भी रेजोल्यूशन पास किया है उसका मिनट बुक भी किस पे बनेगा, मिनट्स जनरल मीटिंग में, क्लियर है। ब्रीफ डिटेल जाएगा किसका, पोस्टल बैलेट के थ्रू जो आपने रेजोल्यूशन पास किया है, वोटिंग रिजल्ट कहना है, स्क्रूटिनाइजर का समरी रिपोर्ट, वो डिटेल पूरा आपको मिनट्स बुक में रखना है। कौन सी मिनट्स बुक, जनरल मीटिंग का, क्लियर सर। इन्हें परमानेंट रखना है, हां जी परमानेंट प्रिजर्व की देंगे, कहां रखना है, रजिस्टर ऑफिस पे। सर बोर्ड डायरेक्टर का जो मिनट्स बुक होगा, बोर्ड ऑफ मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग का मिनट्स बुक एट द रजिस्टर ऑफिस और अदर प्लेस एट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, थैंक्स फॉर योर डेटा, वो भी करेगा, मतलब बिजनेस ताकि प्रॉपर्ली ट्रांजैक्ट हो सके। सर साइनिंग, साइन का सब जाओ फटाफट से, जनरल मीटिंग के मिनट्स बुक को साइन करेगा चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग, उसी मीटिंग का। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्टर उसको कर देता है बोर्ड डायरेक्टर, क्लियर है। पोस्टल बैलेट के थ्रू अगर हुआ है तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग, अगर वो नहीं है तो सर डायरेक्टर उसको ऑथराइज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन केस ऑफ अ बोर्ड मीटिंग में नॉट्स देन साइन बाय द चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग, वो नहीं कर सकता नेक्स्ट सिटी मीटिंग कितने दिन में, 30 डेज में, कितने में 30 डेज में, कब से कंक्लूजन ऑफ विद 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द विद 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द सच मीटिंग। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, जब मैं सच मीटिंग कह रहा हूं यहां पर तो इसका मतलब यहां पर ये है कि जो मीटिंग्स, चाहे वो जनरल मीटिंग, मीटिंग कॉल बाय द रजिस्टर, क्लास मीटिंग हो, रिजल्ट पास बाय द पोस्टल बैलेट हो, या फिर बोर्ड डायरेक्टर का मीटिंग हो, कमेटी का मीटिंग हो, क्रिएटर का मीटिंग हो, क्लियर है। तो सेक्शन 118 रीड विद रूल 25। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेक्शन 119 इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक्स। ध्यान से सुनिएगा ये क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से। सेक्शन 119 कहता है जो मिनट्स बुक है ना इनको इंस्पेक्ट कौन, मेंबर, मेंबर के पास राइट है कि वो मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है, क्लियर। और जो इंस्पेक्शन करने की बात आएगी ध्यान सुनेगा, कहां करेगा जाके, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। सर कौन से इंस्पेक्ट कर रहा है, वो जनरल मीटिंग के, जनरल मीटिंग के, जनरल मीटिंग के मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट करना चाहता है कौन, मेंबर, कैन यू डू सो, हां जी सर। कितना पैसा, फ्री ऑफ चार्जेस, इंस्पेक्शन फ्री ऑफ चार्जेस है। अगर यही मेंबर एक्सट्रैक्ट लेता है, कॉपी लेता है, तो पर पेज जो मैक्सिमम है वो 10 रुपीज है। आर्टिकल में 5 रुपए लिख सकते हैं, 7 रुपए लिख सकते हैं पर पेज, बट 10 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, क्लियर है। सो अगर एक्सट्रैक्ट लेगा तो मैक्सिमम पर पेज 10 रुपीज, क्लियर है। फर्दर इट प्रोवाइड्स दैट यू नो कंपनी में इंपोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स बुक, समझना। मान लीजिएगा क्योंकि आपने जो बोला इंस्पेक्शन, अब इंस्पेक्शन जो ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स होगा, ये सिंपल सा बात है ना, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। अब सुबह 9 से लेकर शाम का 6 बजे तक, मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6, इंस्पेक्शन अगर पूरे टाइम रख दें, आप सोच लो जरा पूरे टाइम हम अलाउ कर दें कि आइए इंस्पेक्शन कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, सिंपल है। तो कंपनी को अगर लगता है तो कंपनी अपने आर्टिकल्स में एक टाइम रेफर कर सकती है, लेकिन याद रखिएगा लॉ कहता है टाइम आप जो बताएंगे ना वो कम से कम 2 घंटे होना चाहिए, मतलब सर ड्यूरिंग 9 AM टू 6 PM ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स इंस्पेक्शन के लिए एटलीस्ट यू हैव टू प्रोवाइड 2 hours, मतलब प्रोवाइड 2 hours फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, क्लियर है। तो आर्टिकल में आप बोल सकते हैं कि मॉर्निंग 10 टू 12 इंस्पेक्शन में आ सकता है, कर सकता है मेंबर, मेंबर कहेगा मैं 1 बजे करूंगा, नहीं जी आर्टिकल देखा हुआ 10 से 12 ही, क्लियर है सर। क्या 10 से 11 कर सकते हैं, नहीं लॉ कहता है सर, लॉ कौन सा लॉ, रूल 26 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 प्रोवाइड्स दैट कि जो इंस्पेक्शन होगा कम से कम 2 घंटे का आपको टाइम देना पड़ेगा, क्लियर है। इंस्पेक्शन फ्री ऑफ चार्जेस है। नाउ द क्वेश्चन इज अगर मैं कॉपी लेता हूं तो कॉपी जो आप लेंगे पर पेज 10 रुपीज है। अब कॉपी आप डिमांड कर रहे हैं ना तो सुनिएगा, कंपनी को विदिन 7 working days ये कॉपी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो विदिन 7 working days सबसे जब से मैंने रिक्वेस्ट किया ना, मेंबर ने रिक्वेस्ट किया, सो कंपनी हैज टू प्रोवाइड द कॉपी ऑफ द मिनट्स बुक विदिन 7 working days टू द मेंबर कंसर्न, ठीक है।
सर मेरे को ना पिछले 3 साल का रिकॉर्ड निकालना है, मतलब जो पिछली 3 साल की इमीजिएटली प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स की जो मिनट्स हैं उनको मेरे को इंस्पेक्ट करना है। तो इनकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल सकती है, आप कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे सॉफ्ट कॉपी, यानी कि इमीजिएट प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर तक का ही है, उससे ज्यादा पुराना नहीं, इनमें कोई से भी पिछले 3 साल का आप सॉफ्ट कॉपी डिमांड कर सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी बाय द कंपनी। सर कितना पैसा? कोई पैसा नहीं है, ये कंपनी फ्री कॉस्ट देगा आपको, क्लियर है ना? ध्यान से देखो, अब मान लीजिएगा एक मेंबर ने इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचा और इंस्पेक्शन करने से उसको मना कर दिया गया, या 7 वर्किंग डेज हो गए हमको मिनट्स बुक का कोई कॉपी ओपन नहीं सेंड किए यार ना, लिसन वेरी केयरफुली, यहां पर इनके ऊपर प्रोविजन ये बोला है कि इन पे फाइन लगा जाएगा, किस पे? कंपनी पर, अप टू 25,000। सर अप टू नहीं, यही मजे का बात है, यहाँ अप टू नहीं है, सीधा 25,000 रुपए का फाइन है। कहते हैं फाइन कंपनी कंपनी शुड बी लायबल टू पे फाइन ऑफ ₹25,000 एंड एवरी ऑप्शन इज डिफॉल्ट लायबल टू पे फाइन ऑफ ₹5,000। जो जो ऑप्शन डिफॉल्ट है 5,000 का फाइन है, बस सुना रहा है? और वेट सर, और सर जो कंपनी है उस पे भी ₹25,000, और साथ के साथ ट्रिब्यूनल ये भी ऑर्डर करेगा, ये तो लगेगा लगेगा ना, ट्रिब्यूनल ये भी ऑर्डर करेगा इमीडिएट इंस्पेक्शन या जो कॉपी डिमांड की ना मेंबर ने उसे प्रोवाइड की जाए, क्लियर है? ये सेक्शन 190 इंस्पेक्शन था, सिंपल। अब हो सकता है कि माइंड की क्वेश्चन आ रहा हो कि सर क्या आउटसाइडर जो मेंबर नहीं है क्या वो भी इंस्पेक्ट कर सकता है? मैं आपको अगर थोड़ा ध्यान से कहूँ, सेक्शन 109 को जब आप रीड करते हैं तो डेफिनेशन जो प्रोवाइड कर रहा बोलता है मेंबर। अब मेंबर का मतलब वो किसी भी तरह से होता है मेंबर, मेंबर याद रखिएगा, मेंबर और शेयर होल्डर में डिफरेंस है, ठीक है? अगर कंपनी मान लीजिए लिमिटेड बाय गारंटी है हैविंग नो शेयर ऑफ कैपिटल तो उस कंपनी में मेंबर्स होंगे, वेयर एज अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर होल्ड करने वाला कौन होगा? शेयर होल्डर, और इज आल्सो नोन एज मेंबर। तो यहां बोला गया है मेंबर, मतलब मेंबर जो है ना बॉर्डर टाइम में दोनों कवर कर रहा है, क्लियर है? तो 119 जो है वो कह रहा है मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है, सेक्शन 119 जो लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन जब हम सेक्शन 120 नेक्स्ट सेक्शन 120 को रीड करते हैं तो कहता है मेंटेनेंस इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो किसके ऊपर? कंपनी जो है ना वो लोग कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्या अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, मिनट्स हैं, रजिस्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा। लेकिन इसने यहां ये भी प्रोवाइड किया कि किसके लिए मैंडेटरी है, कौन सी कंपनी जिनके लिए मैंडेटरी है कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन करना है। ध्यान सुनिएगा, एवरी लिस्टेड कंपनी सेक्शन 120 कह रहा है, सेक्शन 120 सेक्शन 120 प्रोवाइड्स दैट मेंटेनेंस इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हिच प्रोवाइड्स दैट एवरी लिस्टेड कंपनी और कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1,000 मेंबर्स। क्या सर? सर मेंबर नहीं, ध्यान सुनना, शेयर होल्डर। क्या सर? हाँ ध्यान सुनिए, एवरी लिस्टेड कंपनी और कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1,000 शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स और एनी अदर सिक्योरिटीज होल्डर शैल मेंटेन द रिकॉर्ड्स रजिस्टर रेड बुक्स इंडेक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना होगा। कौन कौन सी कंपनी? एवरी लिस्टेड कंपनी, जंबोट साइज कंपनी, सोच रहे हो ना तुम, समझ जाओ यार, बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड है, लिस्टेड बोल रहे हैं, और कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1,000 शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स, क्लियर है? ऐसा कंपनीज इन्हें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिकली अपना रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स मिनट्स इंडेक्स प्रिपेयर करना है। अब ध्यान सुनेगा, रिकॉर्ड में यहाँ पर बोलता है कि सर रिकॉर्ड अगर कोई मेमोरेंडम है, एग्रीमेंट्स हैं, उनका डिटेल भी रिकॉर्ड्स, ठीक है? मैं जब यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ ना, मुझे उम्मीद है कि मेरे से जो बच्चों ने जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ा हुआ है वो जो समझ गए होंगे डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन कहाँ से मिलकर रेफर कर रहे हैं। जनरल क्लॉज एक्ट के मीनिंग में जो डॉक्यूमेंट को बोला गया है, क्लॉज एक्ट। सो ध्यान
चांस नहीं है। अब कहते सर वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है एज पर द कंपनीज एक्ट एंड रूल्स, क्लियर है, वो सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। कौन सी कंपनी इसको, एवरी कंपनी नॉट हैविंग लेस देन कितना, कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 शेयरहोल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी, इसको मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर और इंजीनियर ऑफिसर एज अ बोर्ड, थैंक्स फॉर इट, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है ना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने का, क्लियर एकदम। इंस्पेक्शन प्रोसीजर सेम है। तो सेक्शन जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 110 यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखता है, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी सेक्शन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स, सेक्शन 120 प्रोवाइड्स दैट कंपनी कौन सा, एवरी लिस्टेड कंपनी और कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 शेयरहोल्डर्स डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स शैल मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर इंडेक्स मिनट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड कैन बी इंस्पेक्टेड इंस्पेक्ट बाय एनी पर्सन। अब ये क्वेश्चन हम आगे तो एनी पर्सन, तो क्या सर मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ एक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक कंपनी, आई होप अभी लिस्टेड कंपनी बोल के निकले हैं, ठीक है, तो क्या मैं पब्लिक कंपनी के जो कि मैं उसका मेंबर नहीं हूँ क्या मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। क्वेश्चन इज कि अगर हम इसको जब रीड कर रहे हैं सेक्शन 119 से तो वो कहता है सर मेंबर, ठीक है, लेकिन ध्यान समझना इंटरेस्टिंग क्या है, सेक्शन 120 की स्टार्टिंग डेफिनेशन ही बोलती है विदाउट प्रेजुडिस प्रेजुडिस एनी सेक्शन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स, तो ये किसी भी 120 किसी और एक्ट के किसी एक्ट के सॉरी कंपनीज एक्ट के किसी सेक्शन को या किसी रूल को वायलेट नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट नहीं आ रहा, क्लियर है, आई होप याद करो इंटरप्शन स्टैट्यूट के अंदर हार्मलेस कंस्ट्रक्शन ये थ्योरी याद आ गई होगी, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स बोल रहा हूँ बट समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो देयर इज नो कॉन्ट्रारी बिटवीन सेक्शन 119 एंड 120, सो कंक्लूजन दैट सेक्शन 119 प्रोवाइड्स दैट member of the company can inspect the book of accounts, sorry, inspect the minutes of the general meeting, so member kar sakta hai, clear ho raha hai, member hi karega, any doubt, I hope clear hoga aapko, ek question aur puch leta hu aap logon se, kya auditor inspect kar sakta hai, yes, auditor bhi inspect kar sakta hai, clear, uske baithe, auditor ka baithe, now further, dance with the ego, So, अब जो मैं आपको सेक्शन बताने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एक्चुअली एग्जाम में इसके ऊपर अभी तक डिस्कशन नहीं किया गया है बट पॉसिबिलिटीज हमेशा बनी रहती हैं। सेकंड, क्योंकि कमिटी सेक्रेटरी हैं आप बनने वाले कमिटी सेक्रेटरी बीचों में सो आपको पता होना चाहिए कि 1-to-1 जो है ना वो कहता है रिपोर्ट ऑन AGM और ये 1-to-1 जो सेक्शन 121 जो अप्लाई होता है ना ये अप्लाई होता है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी स्पेसिफिकली बोला गया है सेक्शन 121 किस पे अप्लाई होगा एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं आप एग्जाम में आए नहीं आए लेकिन बात समझना फ्यूचर में तो आना है फ्यूचर में आप किसी जंबो साइज कंपनी जो कि लिस्टेड है पब्लिक कंपनीज ठीक है और आप उस पर उनकी वर्किंग कर रहे हैं सब वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए वर्किंग कर रहे हैं तो ये तो इत्तेफाक आपके सामने आना ही आना है क्या रिपोर्ट ऑन AGM मतलब सेक्शन 121 टुवर्ड्स दैट रिपोर्ट ऑन AGM ध्यान सुनना कहता है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या करेगा शैल प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन AGM रिपोर्ट बनेगी इन कंफर्मेशन विद दैट मीटिंग कौन सी AGM द मीटिंग कौन सा मीटिंग AGM वॉज ड्यूली कन्विंस हेल्ड एंड कंडक्टेड एज पर एक्ट एंड रूल्स मजे का बात बता दूं यहां पर ध्यान सुनिएगा एक कंप्लाइंस प्रोविजन एक कम सेक्रेटरी को देना पड़ता है कि सर जो AGM हुआ ना कंपनी का उसने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन फॉलो किए हैं रूल्स फॉलो किए हैं इसका प्रॉपर रिपोर्ट बनाया जा रहा है क्लियर है तो मैं क्या कह रहा हूं एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल प्रिपेयर
एंड प्रिपेयर करेगा, ये तो जरूरी है, क्या रिपोर्ट ऑन एजीएम इन कंफर्मेशन दैट द एजीएम वाज कन्विंस्ड ड्यूली कन्विंस्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड एज पर द एक्ट कम्युनिटी एक्ट एंड रूल्स क्लियर एंड प्रोवाइड द रिपोर्ट इन फॉर्म एमजीटी 15. कौन सा फॉर्म है एमजीटी 15? सो आपसे पूछा है कि एजीएम का रिपोर्ट जो कि आपको किसको सबमिट करना है, आरओसी को, कौन से फॉर्म में, एमजीटी 15 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. कितना इजी है यार, सेक्शन 1 में एक में बोला है 30 डेज में पेपर होना चाहिए मैथ्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. एजीएम का रिपोर्ट जाएगा कितने दिन में, 30 डेज में, कौन से फॉर्म में, एमजीटी 15, एमजीटी 15 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. नाउ ध्यान से सुनिएगा रूल 31. तो मैं आपसे कहूं रीड सेक्शन 121 विद रूल 31. ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, ये जो रूल 31 है ना, ये क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, ये कह रहा है कि आपको रिपोर्ट में सर बताना क्या है. ठीक है, ध्यान सुनिए, रिपोर्ट में बताना क्या है. पहली बात ये कहता है रूल 31 जो बता रहा है, वो कह रहा है कि सर एक्चुअली सच रिपोर्ट इज इन एडिशन टू मिनट्स ऑफ एजीएम. मिनट्स तो जो बना रहे हैं, जो बनाने हैं, इसके अलावा इन एडिशन टू बोल रहे हैं, इन एडिशन टू आपको एक एजीएम का रिपोर्ट बनाना है. ठीक है, एंड सच रिपोर्ट इज साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. सिंपल है रे, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. सर मिनट्स कौन साइन करेगा, जनरल मीटिंग का चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग. सर वो नहीं कर सकते तो और डायरेक्टर कौन सा पत्र का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. क्लियर सर, एजीएम रिपोर्ट कौन साइन करेगा और कौन सी कंपनी करेगा, जल्दी एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी. कौन करेगा, हु विल साइन द एजीएम रिपोर्ट्स, चेयरमैन. सो क्या करेगा, साइन डेटेड एजीएम रिपोर्ट. क्लियर है. And suppose in the absence, as I said before, in the absence of chairman or he's not able to sign or death ho gaya, theek hai, tab kya hoga, two directors, kaun, two directors, one of whom, managing directors, two directors in the absence of chairman, theek hai, of the meeting, us meeting ka chairman nahi hai, hum sign nahi kar sakte hain. Yaad rakhiye ek baat bolte hain aapko dhyan se, jab meeting hua na, ठीक है, चेयरमैन होना कंपलसरी होगा, बिना चेयरमैन के मीटिंग कभी स्टार्ट नहीं होता जनरल मीटिंग. क्लियर है. हाँ, तो वो जो चेयरमैन है ना वो साइन करेंगे, या फिर वो नहीं तो टू डायरेक्टर्स, वन ऑफ होम एमडी, इफ देयर इज एमडी, अगर कंपनी में एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो एमडी के साथ दो डायरेक्टर, वन ऑफ होम एमडी, अगर एमडी है तो ठीक, अदरवाइज दो डायरेक्टर. क्लियर है. अब सर इसमें हम लोग लिखेंगे क्या क्या, रिपोर्ट बना रहे हैं ना, तो रिपोर्ट में क्या क्या मेंटेन करेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा, फ्यूचर पे काम आने वाला है, पक्का काम आने वाला है, आई गारंटी, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से, डिटेल क्या क्या प्रोवाइड करनी है हमको एजीएम रिपोर्ट में. अब आपको बताना होगा डे, डेट, आर, प्लेस ऑफ द मीटिंग. सिंपल है, किस डेट पे किया था, डेट बताइएगा, हार किस टाइम किया गया था, ड्यूरेशन एंड प्लेस कहां पे किया था, ये आपको मेंटेन करना है. क्लियर रहेगा. दूसरा कंफर्मेशन, क्या कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन होता क्या है, ध्यान सुनिएगा, जो आपको मैंने पहले बता रखा है, जो जनरल मीटिंग स्टार्ट हो रहा है ना, तो मेंबर लोग क्या करेगा, या तो अपने में से किसी एक को क्या सिलेक्ट कर लेगा, चेयरमैन, मेंबर लोग आपस में जो प्रेजेंट हुआ है कि भैया ये चेयरमैन बनेगा. क्लियर, बात सुन आ रहा है. तो अगर चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई है तो उसकी कंफर्मेशन, सो कंफर्मेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन. क्लियर है. पहला क्या बताया, डे, डेट और प्लेस ऑफ द मीटिंग. सेकंड, कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन. अगेन कंफर्मेशन ऑफ द कोरम, कोरम सफिशिएंट कोरम था नहीं था, ठीक है, कंफर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंसेस, किससे कंप्लायंसेस, ऑफ द कंपनीज एक्ट, रूल्स एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, कि भाई सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हमने फॉलो किए हैं, कंपनीज एक्ट को हमने फॉलो किया है और कंपनीज रूल्स को भी फॉलो किया है. क्लियर, गुड आउट. नंबर ऑफ मेंबर अटेंड द मीटिंग,
कितने मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड किया, ये भी इस रिपोर्ट में लिखेंगे, क्लियर है। बिजनेस ट्रांजैक्टेड एंड रिजल्ट ऑफ क्या मीटिंग का एजेंडा रखा गया था, ठीक है, और उसका कंक्लूजन क्या रहा, सो रिजल्ट देयर ऑफ, क्लियर हो रहा है। डेट टाइम और प्लेस। सेकंड, कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, कंफर्मेशन ऑफ कॉलम, कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंसेस रिगार्डिंग एक्ट्स, कंपनीज एक्ट, रूल्स एंड सेकंड स्टैंडर्ड्स, क्लियर, ध्यान से सुनता रहा है, सुनिए। फिर नंबर ऑफ मेंबर अटेंडा मीटिंग, क्लियर। बिजनेस ट्रांजैक्टेड एंड रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ एजेंट या फिर पोस्टमेंट ऑफ मीटिंग, एजेंट हुआ ना तो उसका डिटेल देना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स ऑफ एजेंट मीटिंग, सर ये पर्टिकुलर्स ऑफ एजेंट, हाँ जी मीटिंग हुआ, मान लीजिए फर्स्ट जैन को शुभ दिन पे हुआ, ठीक है, और फिर वो हुआ सेवन्थ को, तो जो फर्स्ट को हुआ फिर सेवन्थ को हुआ फिर सेवन्थ को मान लीजिए कंक्लूड हुआ, तो जो रिपोर्ट बना रहे ना फर्स्ट को जो एजेंट हुआ था ना, इसके पर्टिकुलर्स, इसके डिटेल कि कैसे डिसाइड किया गया था, एजेंटमेंट को चेयरमैन ने कंसेंट लिया था प्रेजेंट कॉरम से, देन उसको नेक्स्ट डे पे शिफ्ट किया गया, फिर यहाँ मीटिंग कंक्लूड हुआ, क्लियर। तो पर्टिकुलर्स ऑफ एजेंटमेंट्स या चेंज इन प्लेस, कहीं और किया गया था मीटिंग, उसके बारे में डिटेल देंगे, ठीक है, याद हो गया, सुनना गया ये। और अब जब बोले जो हम डिटेल दे रहे हैं ना, सो देन मस्ट बी फेयर एंड करेक्ट, सो प्रोवाइड्स और गिव फेयर एंड करेक्ट समरी स्टेटमेंट, क्या देंगे, समरी स्टेटमेंट, कैसा होती है फेयर एंड करेक्ट, क्लियर है, सुनना आ रहा है सर, कितने दिन में देनी है, विदिन 30 डेज, किसको देना है, आरओसी, सर कौन सा फॉर्म, एमजेडी 15, कब तक, विदिन 30 डेज, कब से, कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, सर साइन कौन देगा, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन नहीं है टू डायरेक्टर्स, वन ऑफ होम एमडी, इफ देयर इज एमडी, अगर कंपनी में एमडी है तो, क्लियर, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अगर जितनी बातें मैंने बोली इसकी वायलेशन है, ये नॉन कंप्लायंस है, आपने नहीं किया, तो कंपनी, ध्यान सुनिएगा, कंपनी पे पेनल्टी है 1 लाख रुपीज, कंपनी शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ रुपीज 1 लाख व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 लाख और कंटिन्यूअली डिफॉल्ट होगा ना 500 रुपीज इज डे जिस दिन डिफॉल्ट होना स्टार्ट होगा, सर डिफॉल्ट कब स्टार्ट होगा, ध्यान सुनना, 30 डेज में नहीं किया तो डिफॉल्ट स्टार्ट हो गया, और पकड़ में आ रहा है 30 डेज में नहीं किया उसके बाद से डिफॉल्ट स्टार्ट हो गया, क्लियर। दूसरा कंपनी के कितना 1 लाख एक्सटेंड टू 5 लाख कंटिन्यू डिफॉल्ट 500 ईज डे एंड जो ऑफिसर बनाए डिफॉल्ट, ठीक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट 25,000 रुपीज, ये तो है ही 25,000 रुपीज जिसमें एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज और 500 रुपीज ईच डे कंटिन्यू डिफॉल्ट, क्लियर है, सुनना रहा है, तो सेक्शन 121 सुनाया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द कुछ क्वेश्चंस रेडी हो सके, ठीक है, नोट्स आपको मिले रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस रेडी हो सके ताकि हम लोग बेटर प्रैक्टिस कर सकें। एक दो चीज़ें समझा रहा हूँ, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो मिनट्स होते हैं जनरल मीटिंग वो साइन होते हैं बाय चेयर में और करना करता है विदिन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, क्लियर। मान लीजिएगा एक चेयरमैन है, उस चेयरमैन को उनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, डॉक्टर ने उनको बोला कि आप 7 दिन के बेडरेस्ट पे लेंगे उसके बाद आप ऑफिस अटेंड कर सकते हैं। अब आप समझ रहे ना, अगर ऐसा होता है कि मीटिंग हुआ उसके कुछ दिन बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया और वो फिर कुछ टाइम बाद वापस आ जाते हैं ऑफिस, तो वो साइन कर सकते हैं। मैंने आपको बोला है कि विद इन 30 डेज साइन होना चाहिए, चेयरमैन करेंगे, चेयरमैन नहीं कर पाते हैं मतलब 30 डेज में नहीं कर सकते हैं, तब डायरेक्टर उस होता है मतलब बोर्ड डायरेक्टर, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएगा कि आप इमीजिएटली बोल देंगे डायरेक्टर, आप प्रोविजन जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, अगर ऐसा होता है एक्सीडेंट हो गया एंड इज नॉट एबल टू और इनकैपेबल टू साइन द मिनट्स को, इन दैट केस डायरेक्टर उस होता है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट he resumes the office within a time period as stipulated in section 118 matlab 30 days then kaun rahega fir chairman rahega, clear। second ek aur question banega sir, jo penalty ki jo provision aapne bataya section 119 mein
रीड विद रूल 26 या फिर 1-to-1 में, ठीक है, 1-to-1 रीड विद रूल 31, क्या सर जो पेनल्टी आपने बताई क्या ये कंपाउंड हो सकती है? तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दो आपको, ध्यान सुनिएगा। जहां हम बोलते हैं ना कोई भी पेनल्टी इंप्रिजनमेंट एंड फाइन है वो कंपाउंड नहीं होता, जानते हैं, क्लियर है? इंप्रिजनमेंट एंड फाइन मतलब दोनों चार है, क्लियर। लेकिन यहां पर देखा सेक्शन 121 की अगर वायलेशन होती है 120 की, 121 का, ठीक है, तो यहां इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है कि जो पेनल्टी है वो मॉनेटरी पेनल्टी है, ठीक है, जिसे कंपनी पे मैंने बताया आपको 1 lakh इसमें एक्सटेंड टू 5 lakh और ऑफिसर पे 25,000 इसमें एक्सटेंड टू 1 lakh, ये कंपाउंड हो सकता है। पर कंपाउंडिंग भी का मीनिंग समझेगा कि आप अगर कंपाउंडिंग अथॉरिटी आरओसी को कंपाउंड की बात कर रहे हैं यहां पे समझेगा, तो कंपाउंडिंग जो ऑफेंस होता है ना, सेम ऑफेंस जो ऑफेंस कंपाउंड हो रहा है ये अगले 3 साल तक नहीं किया हो, जैसे अगर मान लीजिए वायलेशन किया आपने 121 का, ठीक है, तो 121 के वायलेशन किया तो सेम अब ये वापस नहीं होना चाहिए या पहले कभी नहीं किया हो। जैसे मान लीजिएगा एक कंपनी ने 2001 में नॉन फाइलिंग किया, एजी को रिपोर्ट बनाना था, मान लीजिए नहीं दिया, ठीक है, अब 2001, 2002, 2003 अब वो मान लीजिएगा यहाँ कंपाउंडिंग की बात करेगा तो यहाँ कैसा पॉसिबल है, ध्यान सुनिएगा, 3 साल हो गए क्या नहीं पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर इसे यहाँ कंपाउंड कर दिया गया, मान लीजिए 2001 में कंपाउंड कर दिया, तो 2001 में कंपाउंड होने के बाद में 2, 3 एंड 4 अगले 3 साल तक सेम ऑफेंस अमाउंट नहीं होगा, याद रहेगा। कंपाउंडिंग ऑफेंस किसके होंगे, जहाँ मॉनेटरी पेनल्टी इन्वॉल्व है, जहाँ लिखा होता है फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट वहाँ कंपाउंड नहीं होता, और यहाँ जब कंपाउंडिंग की बात होगी ध्यान रखिएगा, कंपाउंडिंग अगर होगा तो सेम ऑफेंस नेक्स्ट ईयर तक नहीं होगा, अगर आपने किया तो कंपाउंड नहीं हो सकता, क्लियर है। सो इस लेक्चर को एक बार पूरा प्रॉपर सुन लीजिएगा, नोट्स जल्दी आपको डिलीवर हो जाए हैं जितना कोशिश कर रहे हैं, और लेक्चर एंजॉय कीजिएगा। ऑलराइट, गुड बाय, गुड बाय।